करा रहे हैं और इस बार भी लक्ष्मी पूजा भी 3 साल से यही पंडित करा रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं अपना बस्ती पे कल शाम को आया था दीदी के साथ, तो अभी सुबह का अराउंड 8:30 कुछ और है, तो हम अपना मम्मी के साथ अभी फार्म जाएगा। मम्मी को कुछ काम था फार्म पे और दीदी को भी कुछ फ्लावर्स चाहिए था, गेंदा फूल घर का लाइटिंग के लिए। और अभी दिवाली का समय है तो आप लोगों को भी हैप्पी दिवाली। और आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज सुबह से मतलब दिवाली का समय सुबह से मतलब घर को कैसे डेकोरेट करेगा, उसके बाद क्या क्या बनाएगा खाने के लिए, सब आपको सब कुछ ब्लॉग पर दिखाएगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए। तो अभी आप लोगों को सीधा मिलता है फार्म पे। तो ये मेरे पापा है कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मम्मी भी रेडी होके आ गया है, अभी जाएगा यहाँ से। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो हम लोग जो लेने के लिए आया था वो ये है, गेंदा फूल इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग मतलब या घर का मतलब बरांडा या कहीं पे भी मतलब लगा के डेकोरेट करेगा दिवाली के लिए। तो ये है पूरा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है पूरा फापड़ बाड़ी है ये जो हम लोग यहाँ पे फार्म पे जो मतलब गुरुंग दाजू रहते हैं वो लगाए। तो इससे हम लोग अपना इदुम इसमी ट्राइब पे इससे हम लोग चावल भी बना के खाते, चावल भी बना के खाते और पिठा भी बना के खाते। तो आप ये सब देख सकते हैं, फापड़ बाड़ी बोलते हैं इसको। तो ये है गुरुंग दाजू जिसने लगाया इसे। कहाँ से गए आप? खैर काटने। खैर काटने काट के आ गया। तो गाइस अभी आप लोगों को आप किसी से मिलाएगा हम। तो ये जो आप नया देख रहे हैं ये मेरा नानी का मम्मी का दोस्त था, फ्रेंड था। तो ये 80+ हो गया अभी एज पे, अभी तक काम करते फिर भी देख सकते हैं आप लोग। अभी चाय बना रहे हैं हम लोग के लिए। तो घर का सामने जितना भी गेंदा फूल था मम्मी तोड़ लिया उसको, तो कम पड़ गया। तो यहाँ पे घर से थोड़ा दूर लेने के लिए आया एक भाई का साथ, तो इसको लेके यहाँ से जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, और भी अच्छा अच्छा चीज़ दिखेगा हम। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं फिर आप लोग को मिलते हैं। हाय, अभी तोड़ के हो गया हम लोग का गेंदा फूल। तो इसका हम तोड़ते तोड़ते एक चीज़ नोटिस किए, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो अभी तोड़ लिया इसको, तो तोड़ के अभी सीधा जाएगा। तो जाके दीदी करी पत्ता लेके आ रहा था, तो करी पत्ता भी लेना है कहीं से, तो उसको लेके घर जाएगा अभी। तो गाइस अभी हम लोग करी पत्ता लेने के लिए आए जो दीदी को चाहिए था। तो अभी इसको तोड़ेगा, तोड़ के सीधा निकलेगा यहाँ से घर। हम लोग पहुँच गया। तो ये है करी पत्ता, तो इसको हम लोग दाल में या कुछ भी मतलब मिला के खाते हैं, इससे मतलब स्मेल भी अच्छा होता है। तो इसको तोड़ के निकलेगा यहाँ से। तो इससे दवाई भी होती है ऐसा कुछ बोल रहे मम्मी, तो इसको लेके अभी सीधा जाएगा। ले गाइस, करी पत्ता तोड़ के भी हो गया, ले लिया हम लोग, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से सीधा घर जाएगा। गाइस घर पहुंच चुका है, तो घर का भी पूरा सफाई हो रहा है अंदर में साइड से। गाइस तो फाइनली भी हम घर भी पहुंच गया। तो
मेरी मम्मी हमको कहीं छोड़ दो बोल रहे हैं, उसको कहीं काम है कुछ, तो उसको छोड़ के आएगा। पहले मम्मी को अभी छोड़ दिया है तो अभी यहाँ से वापस घर जाएगा, तो घर जाके भी कुछ काम है। तो क्या काम है आप लोगों को दिखाएगा वहाँ पे। फाइनली गाइस मम्मी को छोड़ के तो आ गया था, तो अभी हम लोग कुछ काम ही बोला था, तो क्या काम है आप लोगों को बताएगा अभी। तो हम लोग का जो मिथुन था, मिथुन का भी बेरा के अंदर डालने जाएगा। ये है मिथुन, यहाँ पे उसको बेरा के अंदर घुसाना है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैसे तान के ले जा रहे हैं मिथुन को। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मिथुन का अंदर डालना था, तो हमने डाल दिया। इतना टफ भी नहीं था, इजी था। तो अभी अभी और दो है मेरा मामा का, उसको भी डालना है। तो उसको डालने के बाद सीधा आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोग सीधा मिथुन डालने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस तीनों मिथुन का अंदर डाल दिया है, तो अभी सीधा घर जाएगा। मिथुन बेरा काम हो गया है, मिथुन को हम लोग मिथुन बेरा में डाल दिया। तो अभी हम घर भी पहुंच गया, तो आप लोग देखा होगा दीदी लोग काम स्टार्ट भी कर दिया, तो हमको भी बोलोगा हेल्प करना है। तो सबसे पहले फ्रेशअप होगा, फ्रेशअप होने के बाद लंच करेगा, लंच करने के बाद लाइटिंग्स भी लगाना स्टार्ट कर देगा। तो जल्दी से फ्रेशअप होते हैं और आप लोगों को मिलते हैं उसके बाद। फ्रेशअप तो हो गया है, अभी लाइटिंग्स लगाएगा तो आप लोगों को दिखाएगा। गाइस आफ्टर वर्किंग 3 to 4 hours हम लोग का सब कुछ हो गया है, सब कुछ डेकोरेशन हो गया, लाइटिंग लगा दिया है। तो अभी सबसे पहले फ्रेशअप होते हैं, उसके बाद क्रैकर्स जलाएगा, उसके बाद और एक कुछ काम है। मेरा एक भैया जो यहाँ पे मतलब लक्ष्मी पूजा करा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा देखिएगा, मतलब मेरा बस्ती में करा रहे भैया, तो वहाँ जाके देखिएगा थोड़ा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। क्या सब कुछ कर लिया, आप लोगों को दिखा दिया हम, क्रैकर्स भी फाड़ लिया, सब लोग एंजॉय कर लिया। तो अभी एक भैया का वहाँ जाना है, तो आप लोगों को वहाँ पहुँच के दिखाएगा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग भैया का यहाँ पे आ गया, तो शायद से यहाँ पे कुछ पूजा हो रहा है। तो भैया बोला था कि यहाँ पे पूजा होगा, लक्ष्मी पूजा कुछ बोला था। तो बाद में भैया से पूछते हैं मतलब ये पूजा क्यों करा रहे हो ना, आप लोगों को पूजा कैसा हो रहा है यहाँ पे दिखाएगा सबसे पहले। तो आप लोग देखिए तो ये भैया जी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो भैया जी आप क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप थोड़ा बताओ। नमस्ते, हम लोग दुर्गा पूजा 3 साल से मना रहा है। तो हर साल हम लोग दुर्गा पूजा जहाँ मनाता है, हर साल हम लोग लक्ष्मी पूजा भी वहीं मनाता है। तो इस बार भी हम लोग लक्ष्मी पूजा मना रहा है यहाँ। इस बार हम लोग पिछले 2 साल से तो हम लोग यहाँ नीचे में मनाते आ रहा था, तो इस बार हम लोग यहाँ थोड़ा सा ऊपर हाईवे के सामने हम लोग लेके आया है। तो इस बार हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा मनाया था, तो इस बार भी लक्ष्मी पूजा हम लोग इसी तरह हम लोग यहाँ मनाते हैं। हम लोग पूजा दुर्गा पूजा हम लोग जब से हम लोग स्टार्ट किया 2021 से,
दुर्गा पूजा होने के बाद हम लोग लक्ष्मी पूजा इसी तरह हम लोग जहाँ दुर्गा पूजा हम लोग कराया था तो वहाँ ही हम लोग लक्ष्मी पूजा कराते हैं इसी तरह। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा देर पहले पूजा स्टार्ट हुआ था, अभी ख़त्म हो गया। तो अभी पंडित जी भी आया हुआ है, पंडित जी बाहर से हैं, तो यहाँ अभी पूजा हम लोग का ख़त्म हो गया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पंडित जी कहाँ से लाए आप पंडित जी को? पंडित जी वैसे तो पंडित जी काशी में रहते हैं, तो वो अपना मूल्य समय को यहाँ कीमती समय को हम लोग के साथ दिए हैं। तो दुर्गा पूजा भी 3 साल से यही पंडित जी करा रहे हैं, और इस बार भी लक्ष्मी पूजा भी 3 साल से यही पंडित करा रहे हैं। तो पंडित जी भी अभी कुछ दिन बाद चला जाएंगे वापस। तो ये है, फाइनली गाइस घर पहुंच चुका है पूजा से, पूजा भी ख़त्म हो गया था। पूजा ख़त्म होने का तो हम लोग पूजा का भोग खाए और सीधा घर आ गया। तो भैया 3 साल से मतलब दुर्गा पूजा भी करा रहे और लक्ष्मी पूजा भी करा रहे, शायद से उसका ये लास्ट ईयर था, तो अभी ख़त्म हो गया। तो हम लोग का दिवाली भी बहुत मतलब अच्छा गया है, आई होप आप लोग का भी अच्छा गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं आप लोग को सीधा नेक्स्ट ब्लॉग पर।